अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर का बढ़ना। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? बेसिकली दो वजह होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डायबिटीज के बारे में हम बात करते हैं। एक होता है कि आप पहले से ही डायबिटिक हैं और डायबिटिक अवस्था में ही आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, और दूसरा होता है कि आप पहले नॉर्मल थे लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ये दोनों जो कंडीशंस हैं, इसका अप्रोच मैनेजमेंट का और ये किस तरीके से प्रेगनेंसी पे असर करेगा थोड़ा सा अलग अलग है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। इसका मतलब ये है कि आपको पहले शुगर नहीं था, आपने नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करी है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, इसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली प्लेसेंटा यानी कि आवल जो रहती है उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और ये हार्मोनल चेंजेस के चलते ब्लड में ग्लूकोज का जो लोड है वो बढ़ जाता है। अब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, उसी के हिसाब से पैंक्रियास में जो कि हमारी ग्रंथि होती है उससे पदार्थ निकलता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन, और इस इंसुलिन की वजह से ही ब्लड ग्लूकोज को जो है हमारी बॉडी के सेल्स यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा है वो नियंत्रित रहती है। लेकिन प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के चलते किसी किसी में क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लोड तो बढ़ जाता है लेकिन उसके हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से पैंक्रियास उतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता है, या हमारी बॉडी इंसुलिन को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया कि ग्लूकोज बढ़ गया लेकिन इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है उसको, या तो उसकी मात्रा कम है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, जिस वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसे हम फिर बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। अब अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो गया तो इसके क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज में है या नहीं है? ज्यादातर केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसीलिए रूटीन स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं जिसके चलते हमें ये पता चलता है कि किसे जेस्टेशनल डायबिटीज है और किसे नहीं है। मात्र कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमें कुछ लक्षण आ सकते हैं, जैसे भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, बार बार पेशाब जाना, या सोनोग्राफी आपने कराई तो उसमें पता चल रहा है कि बच्चे का वजन ज्यादा है या अंदर पानी की मात्रा बढ़ गई है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है जीडीएम को डिटेक्ट करने का वो है स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग के लिए कुछ खास तरीके का ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये अगर आप हाई रिस्क कैटेगरीज में नहीं आते हैं, हाई रिस्क मतलब होता है कि जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा जरूरत से ज्यादा नहीं है, उसमें हम ये एक बार 24-26 हफ्ते पे और फिर दूसरी बार जब 28-30 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाती है तब इस टेस्ट को करते हैं। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी बॉडी को एक ग्लूकोज चैलेंज दीजिए, आप ग्लूकोज की मात्रा को पीजिए ग्लास में डाल करके। ज्यादातर इसमें 100 ग्राम ग्लूकोज को पीने के लिए कहा जाता है कि आप 100 ग्राम ग्लूकोज को एक गिलास पानी में डालिए पीजिए, तो ये बॉडी पे लोड क्रिएट करता है, और फिर हम 2 घंटे के बाद शुगर लेवल चेक करते हैं ये देखने के लिए कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उसका लोडिंग ज्यादा होता है, तो क्या हमारे पैंक्रियास में उसकी उसको झेलने की उतनी ताकत है या नहीं। अगर ताकत होगी तो 2 घंटे के बाद हमारे शुगर लेवल्स नॉर्मल आएंगे, 140 के नीचे आएंगे। अगर ताकत नहीं होगी तो फिर ये लेवल बढ़ा हुआ आता है। ऐसे केसेस में डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वैल्यू आई है, हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको स्ट्रेट अवे जीडीएम लेबल कर दे या आगे कुछ और टेस्ट करने के लिए बोले। तो ये रूटीन स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। जिन लोगों में रिस्क ज्यादा है, जैसे कि वो लोग जिन्होंने कंसीव करते टाइम उनका वजन ज्यादा था, ओवरवेट थे, या प्रेगनेंसी में ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं, या पिछली प्रेगनेंसी में उनके बच्चे का वेट ज्यादा था, या आखिरी समय पे बच्चा पेट में खत्म हो गया, या डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को कुछ हो गया, स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या आपको प्रेगनेंसी में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही हैं, तो ये वो लोग हैं जिनमें जीडीएम होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है आपके डॉक्टर 24 हफ्ते से पहले ही आपकी स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर दें और 2 बार की बजाय 3 या 4 बार भी करें।
अदरवाइज रूटीन केसेस में एटलीस्ट 2 बार स्क्रीन करना, एक 24 से 26 हफ्ते के अंदर और फिर बाद में 28 से 30 हफ्ते के बीच में कराना सफिशियंट होता है। अब हम क्यों इतने वरीड हैं जीडीएम को लेकर के, क्यों हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग करना जरूरी होता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि जीडीएम है या नहीं है। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है तो यही ब्लड हमारे बॉडी से होता हुआ बच्चे के अंदर में भी पहुंचता है। अब बच्चे को तो इतना ग्लूकोज की जरूरत नहीं है तो वो ओवर फीडिंग हो जाती है, तो इसके चलते बच्चे का वजन नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। और अगर वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया, और ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल हो जाता है, सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी मैक्रोसोमिया के साथ साथ या वैसे भी जो अंदर में पानी है वो बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। और रेयरली, लेकिन हाँ ये मुमकिन है, अगर शुगर शुरुआत में ही जल्दी से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हम उसे टाइमली डिटेक्ट नहीं करते हैं, तो बच्चे में कुछ बनावटी खराबी, खासकर दिल की तकलीफ होने के, कार्डियक मैलफॉर्मेशंस होने के भी चांसेस रहते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में हमने ध्यान नहीं दिया, शुगर बढ़ा हुआ ही रहा, तो आखिरी आखिरी में यानी कि क्लोज टू डिलीवरी टाइम बच्चे का पेट के अंदर में ही धड़कन के खत्म हो जाने का भी चांसेस रहता है, जिसे हम बोलते हैं आईयूडी, या इमिडिएटली डिलीवरी के बाद भी ऐसा हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेश स्टिलबर्थ। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान अगर जीडीएम होता है तो बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टाइमली इसकी स्क्रीनिंग कराएं, और अगर ये डिटेक्ट होता है तो उसे हम मैनेज करें। अब सपोज जीडीएम डिटेक्ट हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वैल्यूज हैं, हम जीडीएम के केसेस को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है A1 और एक होता है A2। A1 मतलब हल्का सा ही शुगर लेवल बढ़ा, आपने डाइट और एक्सरसाइज को अच्छे से कंट्रोल किया, और उसके बाद जब हम शुगर लेवल मॉनिटर कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 95 से नीचे रहना चाहिए, खाना खाने के बाद 1 घंटे पे अगर हम ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं तो 140 या उसके नीचे होना चाहिए, अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे पे आप ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं तो 120 या उसके नीचे होना चाहिए। अगर ये हमारे टारगेट लेवल डाइट और एक्सरसाइज से ही अचीव हो रहे हैं तो हम A1 कैटेगरी में आ जाते हैं, हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी हमारे ब्लड शुगर लेवल ये टारगेट्स को नहीं मीट करते हैं तो फिर हमारी कैटेगरी चेंज होकर के A2 हो जाती है, यहाँ पे हमें मेडिसिन की या इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। अब वो क्या होगा, वो आपके डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट्स को, आपके शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते हुए, अच्छे से देखते हुए डिसाइड करेंगे कि आपको इंसुलिन लेना है या कोई और मेडिसिन लेना है, और अगर लेना है तो कितनी मात्रा में लेना है। लेकिन किसी को भी अगर जीडीएम है तो 2 चीजें असेंशियल हैं, आपको जीडीएम है तो भी, और अगर आप डायबिटिक होने के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं तो भी। नंबर 1 कि आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखेंगे, हमने अपने वीडियोस में पहले भी बात कर रखी है कि प्रेगनेंसी में किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे क्योंकि ये जीडीएम का खतरा कम करता है, और जिन लोगों को जीडीएम है उसमें शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और प्रेगनेंसी में किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इसके बारे में भी हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। तो प्लीज आप ये 2 चीजों को तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप असेंशियली फॉलो करें। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, क्यों होता है, इससे माँ और बच्चे पे क्या असर पड़ता है, इसे हम किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं, ये सब हमने इसमें जाना। जेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मली डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, सिर्फ कुछ परसेंट लोग ही ऐसे रहते हैं जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज के बाद भी शुगर बढ़ा हुआ रह जाता है, तो फिर वो हमेशा के लिए डायबिटिक हो गए। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में जीडीएम प्रेगनेंसी में ही डेवलप होता है और डिलीवरी के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनको पहले से ही शुगर था, अब अगर वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उनको क्या सावधानियां रखनी है, उनको क्या क्या चेंजेस बॉडी में हो सकते हैं, बच्चे में हो सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्लीज जीडीएम से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।